विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अष्टांग योग के विषय में संक्षिप्त में समझा था। आप इन सूत्रों के माध्यम से उन्हीं अष्टांग योग के विषय में विस्तार से समझेंगे, जो कि 30 नंबर यानी 30 नंबर से स्टार्ट है यह। और साधन पाद जो योग दर्शन में दूसरा अध्याय साधन पाद, ये पार्ट नंबर 8 का वीडियो है। उससे पहले साधन पाद पर ही 7 वीडियो बन चुके हैं, तो क्रम से अवश्य देखना ताकि अच्छे से आपको विस्तार से समझ में आ जाए, कहीं भी आपसे कोई वर्ड मिस ना हो, समझने में ऐसा ना लगे कभी मैंने समझा नहीं इसको। तो चलिए सबसे पहले सूत्र की तरफ समझते हैं। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः, अर्थ समझते हैं इसका। यहाँ तक अहिंसा सत्य अस्तेय चोरी, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यमा यानी यम है। तो क्रम से ही इसको नोट करेंगे और नोट भी करते चलें। अहिंसा सत्य अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। तो चलिए उनको समझते हैं। सबसे पहले अहिंसा, पहला नंबर अहिंसा का है ना, प्रथम अहिंसा। मन वाणी एवं शरीर द्वारा किसी प्राणी को, ये आप नोट करेंगे, मन से भी वाणी से भी और शरीर से भी, द्वारा किसी प्राणी को कभी किसी भी तरह का दुख न देना, किसी भी प्रकार का दुख नहीं देना, ही अहिंसा कहलाता है। विद्यार्थियों, जैसे कि काम क्रोध लोभ मोह भय आदि के वशीभूत होकर मानसिक यंत्रणा देना, या किसी से दिलवाना, अथवा किसी को सलाह देना, या किसी प्रकार का भी संकेत करना, इनके इस भाव में आने, जैसे कि काम क्रोध लोभ मोह जैसा भाव भय के कारण संकेत करना, अथवा दूसरों के दोषों को देखना, दूसरों के दोषों को भी जो देखता है देखना, आदि समस्त अवगुण हिंसा के अंतर्गत आते हैं, हिंसा के अंतर्गत आते हैं, इनका त्याग ही अहिंसा है। विद्यार्थियों, चलिए सत्य की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं सत्य में क्या है। सत्य नेत्रांद्री, नेत्रेंद्रिय आदि, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं 10 प्रकार की, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, इन सब से एवं मन नेत्रांद्री नेत्र आदि इंद्रियां, नेत्र इंद्रियां आदि एवं मन के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ, श्रवण किया हुआ तथा अनुमान द्वारा अनुभव किया हुआ जैसा घटित हो, वैसा ही, वैसा का वैसा, जैसा घटित हुआ हो वैसा का वैसा भाव प्रकट करने के लिए प्रिय, ये आप नोट करेंगे, देखना, प्रिय एवं हितकर वचन का नाम सत्य है। जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा भाव आपके मन में प्रकट हुआ वैसा, लेकिन हाँ ये आप ध्यान रखें कि प्रिय और हितकर, अगर सत्य भी बोलते हैं तो इस तरह से आप बोलेंगे, उसको बुरा ना लगे, उसके समझ में आ जाए, तो ये आप ध्यान रखें। ऐसा भी सत्य मत बोल दें कि उसमें किसी की मृत्यु ही हो जाए, ये भी सत्य हानिकारक ही हुआ। चलिए असत्य के किस्म समझते हैं। असत्य का अर्थ है चोरी ना करना। विद्यार्थी, दूसरे के धन का अपहरण कर चुरा लेना, छल से अथवा अन्य किसी उपकर्म अनित पूर्वक है, यानी नीत पूर्वक नहीं, अनित पूर्वक प्राप्त कर अपना बना लेना, चोरी अर्थात अस्तेय कहलाता है। दूसरे के धन का अपहरण कर चुरा लेना, छल से अथवा अन्य किसी उपकर्म अनित पूर्वक प्राप्त कर अपना बना लेना, चोरी कहलाता है, यानी अस्तेय कहलाता है। जैसे कि कम तोलना, निश्चित कीमत से अधिक लेना, यानी जो उसकी कीमत लगी हुई उससे अधिक भाव बताना, और कोई जैसे 1 किलो ले रहा तो उसमें कम करके उसको दूसरे को देना, मिलावट करना, किसी भी पदार्थ को बेचने के लिए उसमें थोड़ा विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो मिला देते हैं दुकानदार लोग, वो भी नहीं करना, मिलावट करना, टैक्स चोरी या घूसखोरी भी अस्तेय के अंतर्गत आता है, ये सभी अस्तेय के अंतर्गत आते हैं। चलिए ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। वाणी मन एवं शरीर, ये आप नोट करेंगे, वाणी मन एवं शरीर द्वारा होने वाले सभी तरह के मैथुनों का समस्त अवस्थाओं में सदैव प्रत्याग कर सभी प्रकार से वीरी का
रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। इसमें विद्यार्थी थोड़ा और समझ लिया। ब्रह्मचारी को कामोद्दीपन करने वाले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। वह न ऐसे भड़कीले दृश्य को देखे, न ऐसी बातों को सुने, न अश्लील साहित्य पढ़े तथा न इस तरह के विचारों को ही अपने मन में लाए। स्त्रियों एवं उनसे आसक्ति रखने वाले मनुष्यों से भी ब्रह्मचारी को अपनी दूरी सतत बनाए रखनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ ब्रह्मचर्य पालन में बाधक है। ऐसे लोगों का ब्रह्मचारी को चाहिए कि ऐसे लोगों से दूर रहे। चलिए परिग्रह समझते हैं। अपने स्वार्थ हेतु मोहवश आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एवं भोग प्रधान सामग्री को एकत्र करना परिग्रह कहलाता है। परिग्रह क्या है? अपने स्वार्थ हेतु मोहवश आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एवं भोग प्रधान सामग्री, जो भोग प्रधान पदार्थ हैं, सामग्री को एकत्र करना परिग्रह कहलाता है। विद्यार्थियों, साधक संग्रह वृत्ति का नहीं होना चाहिए। साधक को संग्रह वृत्ति का नहीं होना चाहिए। सतत अपरिग्रही जीवन जीना चाहिए। आत्मिक प्रगति के लिए अपरिग्रही वृत्ति होना परमावश्यक है। इस प्रकार से यम के 5 भेद यानी लक्षण पूर्ण हुए, यही यम कहलाते हैं। तो आशा करते हैं कि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह के विषय में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और सर इससे भी जो है व्यवहारिक रूप में सरल समझना चाहते हैं, सरल सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ इस पर, तो ज़रूर देखना इसको देखने के बाद। चलिए तो 31 नंबर की तरफ सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। जात देश काल समयानु विच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रते। जात देश काल समयान विच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रता, 31 नंबर का सूत्र है ये। और उपर्युक्त, चलिए इसका अर्थ समझते, उपर्युक्त यम यानी जो अभी अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह बताया मैंने आपको, उस उपर्युक्त यम जात देश काल और निमित्त की सीमा से रहित सार्वभौमा, इसका अर्थ हुआ सार्वभौम होने पर महाव्रतम, इसका अर्थ हुआ महाव्रत हो जाते हैं। जो यम हैं उपर्युक्त यम जो अभी मैंने आपको 30 नंबर के सूत्र में बताया है, वो जात देश काल और निमित्त की सीमा से रहित सार्वभौम होने पर ये महाव्रत हो जाते हैं। तो ये आप नोट करेंगे कि किसको महाव्रत बोला गया है, पतंजलि ऋषि ने किसको महाव्रत बोला है? यम को बोला है, ये नोट करेंगे आप। चलिए व्याख्या समझते हैं। उपर्युक्त सूत्र में विद्यार्थियों जिसे कहे हुए अहिंसा आदि 5 जो यम हैं, यमों का अनुष्ठान जब सार्वभौमिक अर्थात सब के साथ सब जगह और सब समय संभाव से किया जाता है, तब ये सब महाव्रत हो जाते हैं। कैसे होते हैं महाव्रत, ये आप नोट भी करेंगे। 5 यमों का अनुष्ठान जब सार्वभौमिक अर्थात सब के साथ सब जगह और सब समय संभाव से किया जाता है, तब ये सब यम महाव्रत हो जाते हैं। विद्यार्थी थोड़ा और समझ लें। जैसे किसी व्यक्ति ने संकल्प किया, ध्यान से आप समझेंगे तभी समझ में आएगा, जैसे किसी व्यक्ति ने संकल्प किया कि मछली के अतिरिक्त अन्य किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूँगा, तो यह जात अविच्छिन्न अहिंसा हुई। ऐसे ही कोई यह व्रत ले कि मैं अमुक अमुक तीर्थों में हिंसा नहीं करूँगा, तो यह क्या हुआ, यह देश अविच्छिन्न अहिंसा हुई। और यदि कोई यह नियम पालन करे कि मैं अमावस्या पूर्णिमा को हिंसा नहीं करूँगा, तब यह क्या हुआ, तब इसे काल अविच्छिन्न अहिंसा कहेंगे। और यदि कोई यह संकल्प करे कि मैं विवाह के समय के अतिरिक्त अन्य किसी समय किसी भी कारण से हिंसा नहीं करूँगा, तब यह क्या हुआ, तब यह सामवेच्छिन्न अहिंसा कहलाती है। ऐसे ही सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के भेद भी जान लेने चाहिए विद्यार्थियों। तो
और ये विद्यार्थियों ये ऐसे यम व्रत तो कहलाएंगे, अगर जो इस तरह आप कोई भी पालन करेगा, कोई साधक पालन करेगा तो यम तो कहलाएंगे, लेकिन ये सार्वभौमिक ना होने से महाव्रत नहीं कह सकते हैं इसको, ये महाव्रत नहीं हो सकता है। इस तरह के अगर विद्यार्थियों ऐसे यम व्रत तो कहलाते हैं किंतु ये सार्वभौमिक ना होने से ये महाव्रत नहीं हो सकते हैं। विद्यार्थियों उपर्युक्त भेदों का प्रतिबंध ना लगाकर, मतलब प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जब समस्त भूतों प्राणीजनों, यह आप नोट करेंगे, जब समस्त भूतों प्राणीजनों के साथ सभी देशों में सदैव इनका पालन किया जाए, किसी भी कारण इनमें शिथिलता का अवसर ना दिया जाए, तभी ये सार्वभौमिक होने से महाव्रत कहे जाते हैं। यम कब महाव्रत कहे जाते हैं? जब ये सार्वभौमिक होते हैं। तो विद्यार्थियों आशा करते हैं कि आपके समझ में यम अवश्य आया होगा, और जहाँ कहीं भी आपकी समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको फिर से समझा दूँगी दोबारा से। लेकिन विद्यार्थियों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।